जनपद के युवा पर्वतारोही नीतीश सिंह ने 26 जनवरी 2021 को अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी माउंट किलिमंजारो पर भारत का गौरव तिरंगा फहराया था। इस अभियान में नीतीश को किन्नर समाज का आशीर्वाद भी मिला था, जिसके तहत मंगलवार को सिविल लाइन्स स्थित एक मैरिज हॉल में किन्नर अखाड़ा की महामंडलेश्वर किरण नंदगिरी द्वारा पर्वतारोही नीतीश सिंह को सम्मानित किया गया। इस अवसर पर किन्नर अखाड़ा के महामंडलेश्वर किरण नंदगिरी ने कहा कि पर्वतारोही नीतीश सिंह ने गोरखपुर के साथ साथ पूरे प्रदेश व देश का मान सम्मान बढ़ाने का कार्य किया है। नीतीश गोरखपुर उत्तर प्रदेश एवं भारत के पहले ऐसे पर्वतारोही हैं जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर से किन्नर समुदाय का संदेश दिया है। इस अवसर पर शुभम शुक्ला, भाजपा नेता हरिकेश राम त्रिपाठी, नैना सिंह, विजय खेमका, नेहा मणि, पुनीत पांडे, प्रशांत जायसवाल, सक्षम वर्मा सहित अन्य लोग मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए पर्वतारोही नीतीश सिंह और किन्नर समाज की महामंडलेश्वर किरण नंदगिरी ने कहा, मैं ये कहना चाहती हूँ, जय श्री महाकाल। मैं कंकेश्वरी नंदगिरी, जो कि उस किरण नंदगिरी, आज मैं बहुत खुश हूँ कि हमारा बच्चा, हमारा लाल, जो उम्मीद में थी, टूटा नहीं हमारी, और इसने वो कर दिखाया जो कि किन्नर को, मतलब उम्मीद जो था वो उम्मीद आज मेरा बच्चा ने पूरा कर दिया। और मैं इसमें खुश हूँ, हर युवा को यही कहूँगी, सबसे बड़े तो हौसला, अगर हौसला बुलंद हो, पर्वत क्या, हर एक चीज़ पे चट्टान से भी लड़ जाते हैं। तो आज वो हमारा लाल ने वो करके दिखाया। तो मैं सबको यही संदेश देना चाहती हूँ, आज हमारे किन्नर समाज में जो जागरूकता हो रही है, महामंडलेश्वर हो गए, हम लोग किन्नर अखाड़े से जुड़ चुके हैं, और मैं आचार्य लक्ष्मी माँ जी कोटि कोटि प्रणाम आपको, कि आपके स्नेह से, हर एक चीज़ से हमें इस मुकाम पे हम पहुँचें। और मैं हर किन्नरों से भी यही कहूँगी, जो जैसे अच्छे से रहे हैं, सब कुछ रहे हैं, और सबको दुआ दें, और जजमान की तरफ से तो हमें प्यार हमेशा मिला है, और उनका हर समय हमें स्नेह मिली है, और मैं बहुत आभारी हूँ जजमानों के भी। मैं पूजा करती हूँ, छठ पूजा, हर एक व्रत, सोशल वर्क करती भी हूँ जजमान के लिए, कि जजमान ही कहे कि किन्नर क्या नहीं कर सकती, किन्नर बहुत कुछ कर सकती, अगर किन्नर को आप सहारा दें, सपोर्ट दें, तो किन्नर बहुत कुछ करेगी। और पिछला हमारा प्राचीन काल से हमें दबाया गया था, हमें उस समय से हम दबते गए हैं आज तक, आज उस दिन आ गई है, राम जी ने कहा कि कलयुग में तुम लोगों का सम्मान होगा, आज वो दिन भी आया है। वो दिन भी देख के मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, गर्व हो रही है कि हाँ, वास्तव में किन्नर को एक ही नज़र से देखते थे, अजब गलत नज़र से, कि एक छोटे ख्याल से, लेकिन आज वही समाज हमें इतना प्यार दे रहे हैं, क्योंकि जागरूकता हो चुकी है सब जगह पे, हम लोग भी कर रहे हैं। आज देखिए प्रयागराज में मैं गई थी, हमारा माघ मेला चल रहा है, लेकिन मैं अपने लाल के लिए मैं खुद चली आई हूँ, इसने बोला कि हाँ मैं फतेह कर चुका हूँ, तो मैं वहीं पर मैं बहुत संतुष्ट हुई, गंगा माँ से पूजा भी की, आराधना करके आई, आज इनको सम्मानित के लिए मैं भी चली आई हूँ। तो ऐसे ऐसे कुछ ऐसा चीज़ होती है कि हमारे उसमें बहुत प्रसन्न होती हूँ मैं। और हमारे किन्नर को क्या है, आप ही से सब कुछ है, ये किन्नर अखाड़ा जो बना है हमारा थोड़ी है, ये आपका है, आप लोगों का है, आप लोग इसमें हैं, तो आप लोगों ने हमें हिम्मत दिए हैं, तो आज मैं इस जगह मुकाम पे पहुंची हूँ। रहने वाली मैं कहाँ की हूँ, दक्षिण की, आज देखिए मैं गोरखपुर, गोरखनाथ के क्षेत्र पे आई हूँ, उनके नगर पे हूँ, आई गोरखनाथ के जनता, और सब कुछ हमें बहुत प्यार मिली है, बहुत सहयोग है। आज पीपीगंज में रह रही हूँ, हमारा पीपीगंज के जितने जनता जजमान हमें बहुत मानते हैं, बहुत सम्मानित करते हैं, बहुत इज्जत करते हैं, आज हमने पैसे के भी मुंह नहीं देखा, ना हमें कोई लालच है, कोई स्वार्थ नहीं है, लेकिन पीपीगंज में बस गए, क्योंकि बोलते जंगल पे मंगल। आज वो पीपीगंज में पहले जब मैं आई थी 97 जब बाढ़ आई थी, 98 बाढ़ आई थी, तब की मैं आई हूँ, लेकिन आज वो पीपीगंज देख के स्वर्ग बना, तो मेरी भाग है, जजमान के भाग है। इतने मैं कहना चाहती हूँ, जिसको भी यही संदेश देना चाहती हूँ, सब ऐसे ही, मैं बहुत खुश हूँ, जय श्री महाकाल। मेरा यही है कि मैं सातों महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटियों को फतह करूं, जिसमें से एक पूरा हो चुका है, और किरण दीदी ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, और मैंने वहां से अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर, मैं पहली बार ऐसा हुआ कि दीदी की सपोर्ट से किसी ने दीदी को लेके और किन्नर समाज को लेके वहां से उठाया है मुद्दा। और मेरा बस यही कहना है कि हमारा हर किसी का खून लाल ही है, तो समाज में यही एक मानसिकता होनी चाहिए कि हर कोई बराबर है और हर किसी को बराबर का हक मिलना चाहिए।